हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सविता चक्रवर्ती, आज मैं आप सबके साथ गेडी छठ पूजा का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज शाम को हम लोग नदी जाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने रेडी हो गए हैं। तो देखिए, मैं ये साड़ी पहनी हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ पे कृपा आ रही है, कृपा भी रेडी हो चुकी है। हाय करो कृपा, हाय करो, हाय करो, इधर देखो, इधर देखो, हाय करो, हाय हाय। और कौशल भी रेडी हो चुका है, हाय करो संतु, हाय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कौशिक जी भी रेडी हो चुके हैं, बस लॉक वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग लॉक वगैरह कर लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं छठ पूजा देखने के लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे छठ पूजा के लिए डाला लेके जा रहे हैं, जिनके घर में छठ पूजा होती है। तो देखिए, बहुत सारे लेडीज़ भी यहाँ पे माथे में डाला लेके जा रहे हैं। किसी भी तरह का आतिशबाजी या पड़ाका ना छोड़े आप। यहाँ पर हनुमान जी की मंदिर है, तो यहाँ पर मैं प्रणाम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम लोग छठ घाट पहुंच चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं फ्रंट कैमरे से पीछे का व्यू दिखा रही हूँ। देख सकते हैं काफ़ी सारा श्रद्धालु यहाँ पे घाट पे पहुँच रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। तो देख सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ भी डाला लेके आ रही हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सामने का व्यू, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धालु आ चुके हैं और पूजा करने के लिए। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो अभी कृपा को यहाँ पे बैलून लेना था, तो अभी बैलून ले लिया है उन्होंने। तो अभी उसका कुछ जो लगा हुआ रहता है ना, उसे पकड़ने का, वो खुल गया था, तो वही उसके पापा ठीक कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं नदी में कितना ज़्यादा यहाँ पे छठ पूजा करने के लिए लोग आते हैं, और यहाँ पे इस नदी में नहाते हैं। उसके नहाने के बाद ये डाला जो रखा हुआ है उसे लेते हैं और उसे घूमते हैं, और सूर्य देव को पानी चढ़ाते हैं,
पूजा करते हैं। जैसा कि आपको सामने में दिख रहा होगा, तो इस तरह से यहाँ पर पूजा किया जाता है और सूर्य देवता को पानी डाला जाता है। तो ये पूजा दो बार होती है, एक बार शाम इवनिंग के टाइम, जो अभी हम लोग आए हैं इवनिंग के टाइम में, और मॉर्निंग में भी एक बार होती है। ये पूजा सूर्यास्त और सूर्योदय के टाइम पे ही होती है। तो इवनिंग के टाइम जो पूजा होती है, वो सूर्य उदय के टाइम पे नदी आते हैं लोग और पूजा करते हैं, फिर सूर्यास्त के टाइम सब नदी पहुंचते हैं और फिर सूर्य देवता की इसी तरह से पूजा करते हैं। आज छठ पूजा देखने के लिए हम लोग षष्ठी नगर घाट आए हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ है। आज हम लोग पूरा फुल फैमिली लेकर छठ पूजा देखने आए हैं। अभी शाम हो रही है, सूर्यास्त होने वाला है। कृपा एक बैलून खरीदी है, पिंक कलर का, 20 रुपीज का, और हम लोग यहाँ बहुत इंजॉय भी किए और यहाँ पर कुछ फोटो भी क्लिक।
देखिए फ्रेंड्स, छोटे छोटे बच्चे लोग भी पूजा देखने के लिए घाट में आ चुके हैं और प्रशासन के द्वारा और छठ पूजा समिति के द्वारा बहुत अच्छी सी व्यवस्था की गई थी। कहीं कहीं थोड़ा सा जाम हो गया था, लेकिन तुरंत ही पूजा समिति का के द्वारा और वॉलंटियर्स के द्वारा उस जाम को ठीक कर दिया गया। और यहाँ आप देख रहे हैं, टेम्प्रोरी बालू दे के, मिट्टी दे के पुल बनाया गया था, जिससे भक्तजन आसानी से नदी को इस पार से उस पार जा सके। काफ़ी भीड़ हो गई थी यहाँ, और वॉलंटियर्स जो भाई लोग हैं वो लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। वो लोग देख रहे थे क्या किसी भी भक्तजनों को कोई भी किसी तरह से भी परेशानी नहीं हो। अगर किसी भी तरह से परेशानी हो रही थी तो वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि उस परेशानी को तुरंत ही दूर कर सके, कर दिया जाए। और आप ये देख रहे हैं, बार बार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था। देखिए शाम हो रही थी, लेकिन इस लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छे से, लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी, जिससे भक्तजनों की कोई इसी भी तरह का आने जाने में दिक्कत नहीं हो। आपको दिखाई दे रही है, आप देख सक रहे हैं कितनी सुंदर से लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी, और ऊँचे ऊँचे टावर बना दिया गया था जिससे अनाउंसमेंट भी किया जा सके और लाइटिंग की भी व्यवस्था किया जा सके, जिससे भक्तजनों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। जाने के टाइम पे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गया था, जिसके कारण हम लोग जा नहीं पा रहे थे, तो थोड़ा देर हम लोग रुक गए थे यहाँ पे। तो नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, तो हम लोग साइड में रुके हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, एक भाई है जो मेरे यूट्यूब वीडियो हर वीडियो को देखते हैं और मुझे कमेंट्स करते हैं हर वीडियो पे, तो वो भाई ने मुझे भेजे हैं और मुझे बताए हैं कि ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करूं आप सबसे। इतना सुंदर सदा गया है, मतलब लग रहा है कि असम के तारा नीचे आ गया है। नेक्स्ट डे हम लोग छठ पूजा घाट फिर से आ चुके हैं मॉर्निंग का व्यू दिखाने के लिए आप सबको। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आर्गा घाट छठ घाट का दर्शन करवा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ हम लोग सुबह पहुँचे हैं और यहाँ भक्तजनों के द्वारा गरीबों लोग को प्रसाद भी दिया जा रहा है और कुछ पैसे भी दान किए जा रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं नदी की तरफ। यहाँ थोड़ा भीड़ कम है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा एरिया कवर करके यहाँ पूजा होती है। और यहाँ देखिए साफ़ सफाई की बहुत अच्छा व्यवस्था की गई थी, यहाँ कहीं भी आपको गंदगी नज़र नहीं आएगा। सभी श्रद्धालु घाट पहुँच चुके हैं और यहाँ देख रहे हैं, कोई अपने फ्रेंड्स लोग के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं, कोई सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ से एक बार मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा देती हूँ। वाह, कितना सुंदर स्माइली फेस वाला बैलून बेचा जा रहा है।
यहाँ पे सूर्य देवता को जल अर्पण किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एक करके सूर्य देवता को जल अर्पण कर लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पहले जल अर्पण करके आए, फिर यहाँ कौशल कृपा और कौशिक जी भी गए एक एक करके बच्चों को लेके। तो सूर्य देवता को जल अर्पण करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक भाभी जो सिंदूर लगा रही थी सबको, तो वहाँ पे हम लोग गए और भाभी से सबको ही सिंदूर लगाए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे बड़े सब कोई यहाँ पे सिंदूर का टीका लगाते हैं। तो यहाँ पे अभी कौशिक जी भी गए हैं कृपा को लेके टीका लगाने के लिए। और यहाँ पे कौशल आ रहे हैं टीका लगा के।
तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं कुछ फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, क्योंकि हमें चाहिए होता है ना कुछ फ़ोटो जहाँ पे हम कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर करते हैं, स्टोरी लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं। तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। तो यहाँ पे भक्तजनों के लिए चाय की व्यवस्था की गई है पीजी साड़ीज के द्वारा, देख सकते हैं। हमने भी यहाँ पे चाय पिए हैं, तो यहाँ पे बहुत ठंड लग रही थी तो हमने सुबह सुबह का टाइम था तो चाय वगैरह पी लिए हमने। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं नदी से बाहर, तो मैं एक बार पीछे का व्यू आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक हाथी बना हुआ है जो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, सुंदर लग रहा है। मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बच्चे भी देख रहे थे। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स कौशल और कृपा हाथी का सूंड पकड़ कर क्या कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है क्या ये रियल हाथी है, सूंड पकड़ कर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे घाट को बहुत ही सुंदर से डेकोरेट किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए आपसे भी शेयर करते हैं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे लोग फ़ोटो भी क्लिक कर रहे थे, हमने भी कई सारे फ़ोटो क्लिक किए हैं। यहाँ पे काफ़ी सुंदर से यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ था। तो यहाँ से आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे कौशल और कृपा का फ़ोटोशूट हो रहा है। कृपा का सुबह से ही इसका मूड ऑफ है, इसका फेस देख के आपको पता लग रहा होगा। अब हम जा रहे हैं वहाँ सामने कुछ बच्चों के वहाँ पे खेलने के लिए गाड़ी वगैरह लगा हुआ है, वहाँ पे कृपा को बैठना है, वही बोल रही है वहाँ चलने के लिए, तो वही जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे कृपा को बैठना था तो कृपा को हम लोग लाएँ और बैठाएँ, फिर देखिए क्या करती है कृपा। कृपा का फेस को गौर से देखिएगा, देखिए इसका फेस को देखिए कैसे बैठी है। देखिए अब रोने लगी, अब नहीं बैठना है इसको, डर गई है। आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।